बेटा ये फोन जरा देख लोगे? क्या हुआ अंकल इसमें? बेटा किसी को भी फोन मिलाता हूँ तो लग जाता है, लेकिन जब अपने बेटे को फोन मिलाता हूँ तो ना जाने लगता ही नहीं है। ये ऐसा कैसे हो सकता है अंकल? आपके बेटे का नंबर किस नाम से है इसमें? देखो बेटा, इसमें राहुल के नाम से लिखा होगा नंबर। पता चला बेटा क्या दिक्कत है? बस चेक कर रहा हूँ अंकल। अंकल दिक्कत तो है इसमें, अंदर की दिक्कत है कुछ। ये टाँका लगवाना पड़ेगा अंकल इसमें, एक पास में ही दुकान है, मैं वहाँ जाकर जल्दी से इसमें टाँका लगवा लेता हूँ। कितना टाइम लग जाएगा बेटा? 10-15 मिनट लगेंगे, आप बैठिए तब तक। ठीक है बेटा। हाँ, आपका नाम क्या है अंकल? दया प्रकाश। दया प्रकाश। ठीक है अंकल, मैं इसे करवा के लाता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप बैठिए। हेलो। हाँ जी, आप दया प्रकाश जी के बेटे बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? आपका शुभचिंतक। देखिए, अगर आप अपने पिताजी को भूलना चाहते हैं ना, तो मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ। आपके पिताजी मेरे दुकान में आए हुए हैं अपना फ़ोन ठीक करवाने के लिए। वो बार बार आपको फ़ोन करते हैं पर आपका फ़ोन नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि उनके फ़ोन में दिक्कत हो गई है। शायद उन्हें ये नहीं पता, दिक्कत तो उनके बेटे के दिमाग में हो गई है। आपने अपने पिताजी का नंबर ब्लॉक में डाला हुआ है। उनका नंबर अपने फोन बुक से डिलीट कर दीजिए। मैं उनसे जाके बोल दूंगा कि उनका बेटा उन्हें भूल गया है। हाँ, वो थोड़ा परेशान होंगे, रोएंगे, लेकिन यकीन मानिए कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। और हाँ, वैसे भी बाप बेटों के लिए करता क्या है? अभी पिछले हफ्ते की बात ले लो, मेरे पिताजी मुझ पर सेंटी हो गए। मुझसे बोलते हैं कि बाप के लिए बेटे बहुत होते हैं, लेकिन बेटों के लिए बाप एक ही होता है। बाप बेटों का ख्याल रखे ना रखे, लेकिन बेटों को बाप का ख्याल रखना चाहिए। कितनी बकवास बात है ना। चलो भाई, फोन रखता हूँ मैं, बिजी हो गए तुम। तो आज के बाद तुम्हारे पिताजी का कॉल नहीं आएगा तुम्हारे नंबर पर। अंकल ये लीजिए, ठीक हो गया आपका फोन? हो गया बेटा। हाँ जी। कितने पैसे हुए बेटा? पैसे की जरूरत नहीं अंकल, छोटा सा टाँका ही तो लगाना था, लगा दिया। अरे बेटा फिर भी कुछ तो। नहीं अंकल नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए बस, और बेटे को कॉल कीजिए अपने। जीते रहो बेटा। अरे उसका उसी का कॉल आ गया। हेलो। हाँ राहुल बेटा, कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ बेटा। अरे बड़े दिनों से बात नहीं हुई थी।